नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। इस देश में बीते कुछ सालों से एक अजीब सी परंपरा देखने को मिली है। ये परंपरा सरकार विरोध को देशद्रोह का नाम देने पे तुल जाती है। और जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि कई लोगों ने, जो कि सरकार से भले ही ना जुड़े हो, जो किसी भी राजनीतिक दल से शायद जुड़े हो, उन्होंने मानवता के नाते तमाम देशवासियों की मदद की। इन तमाम लोगों को लेकर बीते कुछ दिनों में जैसी खबरें निकल कर सामने आई, जिनमें इनके आवास से लेकर इनके ऑफिस पर सरकारी छापे पड़े, तो वहीं दूसरी जगहों पर इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि क्या जो कुछ ये सब कर रहे हैं, ये देश के सर ये क्या ये देश के लिए, हित के लिए है? क्योंकि एक तरीके से बीते कुछ सालों में हमने ये देखा है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी से वैचारिक मतभेद है, तो समय नहीं लगता उसे देश द्रोही या फिर देश प्रेमी साबित करने में। ऐसे में आज बड़ा सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या इस देश में राजनीतिक दलों का कानून बड़ा महत्वपूर्ण है या फिर देश का संविधान बड़ा महत्वपूर्ण है? देशद्रोह को लेकर अलग-अलग अवधारणाएं हमारे समाज में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बनी रही हैं। आजादी के बाद जब देश के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो देश के संविधान में सेडिशन यानी देशद्रोह को जो है वो शामिल नहीं किया गया था, लेकिन आईपीसी में इसे जरूर शामिल किया गया था। ऐसे में आज हम अपने साथ दो राजनीतिक दलों के मेहमानों को जोड़कर उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देशद्रोह क्या है, देश प्रेम क्या है, और किसे ये अधिकार है कि किसी को वो देशद्रोही या देश प्रेमी कहे। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से शुभम सिंह, जो कि नेता है, वो जुड़ रहे हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम, आज हम इस चर्चा को उस संदर्भ में कर रहे हैं कि हमने देखा कि कोरोना काल में जब सरकारी मशीनरियां, केवल केंद्र नहीं तमाम राज्यों की मशीनरियां भी जब फेल होती हुई नजर आई, तो कई लोगों ने खुद से स्वेच्छा से मदद की। वो शायद किसी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, वो शायद देश के कोई बड़े कवि हो सकते हैं, वो शायद किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगर वो व्यक्ति, वो दल, वो संस्था अगर सरकार के आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती, तो उन तमाम संस्थाओं, व्यक्तियों पर एक निशाना बनाया गया, उनसे पूछा गया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और तमाम तरीके के सवाल जवाब किए गए, और कई बार ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उनके देशभक्त पर होने पर भी सवालिया निशान खड़े कर किए गए। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर देशभक्ति की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, आपके राजनीतिक दल के हिसाब से क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, देशभक्ति और देशद्रोह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस देश का हूं, अगर मैं इस देश का रहने वाला हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इस देश से प्रेम करता हूं। जरूरी नहीं है कि उस प्रेम को जाहिर करना पड़ेगा, पर इस देश के प्रति मैं कितना वफादार हूं, इस देश के लिए मैं कितना अग्रसर हूं, इस देश के लिए कितना चिंता करता हूं, ये देश प्रेम है। और साथ में ही आप दिखा तो रहे हैं कि आप देश प्रेमी हैं, लेकिन उसमें छलावा है। अब आपको याद होगा, सद्दिल इमाम जैसे लोग शाहीन बाग के मुद्दे पर बैठे थे। जाहिर सी बात है कि आप सरकार का विरोध करिए, सीएए का विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध करिए, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि विरोध करना देशद्रोह नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आप उस विरोध के आड़ में देश के साथ गद्दारी करेंगे तो वो देशद्रोह है। दिल इमाम ने कहा ठीक होगा कि असम जो नहीं, नगर नहीं सर पॉलिस है सर उसको चर्चा वहां से सर सर काट देना शुभम जी, है। शुभम जी, चर्चा हम आज ना शर्जिल इमाम पर कर रहे हैं, हम ना सीए एनआरसी पर कर रहे हैं, जब आप हम चर्चा देशद्रोह कर रहे हैं और कि इस सेडिशन पर आप चर्चा करेंगे तो सर्जिल इमाम पे चर्चा आपको करना पड़ेगा। जब आप देशद्रोह पे चर्चा सर करेंगे तो कन्हैया पर आपको चर्चा सर करना पड़ेगा। सर इस देश का कोई भी नागरिक इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेगा कि सर्जिल इमाम जैसे लोग खुले तौर पर जो देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, वो देश
प्रेमी भल नहीं हो सकते, देशद्रोही है या नहीं ये शायद आपको नहीं लगता, देश की अदालत ये तय करेगी और देश की न्याय प्रक्रिया ये तय करेगी। देखिए तय तो न्यायालय ही करेगी, ये निश्चित तौर पर तय तो न्यायालय ही करेगी, लेकिन हम अपना विचार तो उस पर रख सकते हैं। आर्टिकल 19 जो आपको स्पीच फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आपको पावर देती है उसके उसमें ये हमें भी एक्सप्रेशन का वो देती है पावर कि हम भी अपने एक्सप्रेशन जाहिर कर सकें कि अगर कोई देश के खिलाफ कोई बोल रहा है तो हम भी उसको अपने नजरिया से बखूबी देख सकते हैं कि असल में वो देशद्रोही है या देशद्रोही है। ठीक है, मेरे साथ अमिताभ निगम कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ साहब, इस पूरी चर्चा का आज रखने का मकसद हमारा ये था कि जिस तरीके से कोरोना काल में कई संस्थाओं ने, कई व्यक्तियों ने लीक से हटकर जो है देश के आम नागरिकों की मदद की है, लेकिन इसके एवज में उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनके देशभक्त होने पर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, आखिर आप और आपके राजनीतिक दल जिस पार्टी से आप, जिस विचारधारा से आप संबंध रखते हैं उसके हिसाब से, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने बीजेपी के नेता से भी इसी सवाल से की थी और इसीलिए आपसे भी यही सवाल पूछ के कर रहा हूं कि देशभक्त की परिभाषा और देशद्रोह की परिभाषा आपकी विचारधारा में क्या है? देखिए चंदन जी, इनका शुरू से चाल चरित्र चेहरा रहा है कि किसी भी तरह से आपके विरोध में उठी हुई आवाजों को दबाएं, और उसके लिए इन्होंने बहुत ही एक छोटा सा जो विषय होता है कि इंसान जब अपना विरोध व्यक्त करता है सत्ता पक्ष की कुनीतियों के खिलाफ तो उससे आप सीधा सीधा देशद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो, और उनकी सरकार ने जो भी 200 से आसपास करीब राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दायर करे थे एनएसए के तहत, उसमें से हाई कोर्ट ने कम से कम 150 से 160 मुकदमे ये कह के बोल दिए कि इसमें देशद्रोह का मुकदमा बनता ही नहीं है। तो ये विवेचना का विषय है, और इसमें आप, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने इस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन किया है, कोशिश करी है, और ये आवाज दबाते हैं लोगों की। अगर कोई व्यक्ति, आप बताइए कि कोई व्यक्ति अगर सहायता मांगता है आपदा के इस समय में तो उस पर आप मुकदमा कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है ये। आज हम लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए तो हमें, हमारे नेताओं को, हम लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है अपने अपने घरों में। ये किस टाइप का तानाशाही का ये लोग चलाना चाहते हैं वो तो यही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जनता सब देख रही है। और ये जो आगे जाके इनकी जो इस तरह की विरोध की नीति है ये अब स्वीकार्य नहीं है समाज में, आपको विवेचना करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि किसी का विरोध करना या किसी की कुनीतियों के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं हो सकता है जब तक कि आपको दिखता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकार के खिलाफ ये बोल देता है कि ये सरकार जानी चाहिए, हटनी चाहिए, नहीं निर्णय कर पा रही, नहीं न्याय कर पा रही है और नहीं सुविधाएं पहुंचा पा रही है आम आदमियों तक, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा आप लगा देंगे, तो ये तो जनता सब देख रही है। और ये लोग हर चीज को स्थापित करने में लग जाते हैं कि नहीं साहब ये तो उसने, ठीक है मैं जरा जवाब लेता हूं, ठीक है अमिताभ जी, ठीक है शुभम सिंह जी, बात इस पूरी चर्चा को करने का आज मकसद ही यही था कि क्या हमने, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि बीते 4 से 5 सालों में हमने एक ट्रेंड देखा है कि सरकार की आलोचना ही एक तरीके से देशद्रोह बनता जा रहा है। हालिया उदाहरण अगर आप टूल किट के माध्यम से ले, जिसको आप लोगों ने कांग्रेस का टूल किट कहकर प्रचार प्रसार किया, क्या आपके राजनीतिक दल में किसी मुद्दे को कैसे उठाना है इसको लेकर इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं? क्या आप लोगों के राजनीतिक दल में इस तरीके से किसी आम मुद्दे को जनता के सामने अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करना है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं? मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे ग्रुप्स से आए उन मैसेजेस को आपको दिखा सकता हूं जिसमें निश्चित तौर पर सरकार की जो उपलब्धियां हुई है वो कैसे आम जनता तक पहुंचेगी इसे बताने के लिए एक पीडीएफ फाइलें अलग अलग आपके एक सदस्यों के ग्रुप में भेजी जाती है। अगर आपके यहाँ ये हो रहा है तो वो सही है, वो सरकार की महिमा मंडन सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है देश के, वो अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो वो कैसे देशद्रोह है, जरा समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए पहले हमें
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सेडिशन की बाउंड्री को तय करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम ऑफ वो तो संविधान ने तय कर रखा है ना सर। सर नहीं, आप संविधान ने तय करेगी, संविधान ने तय कर रखा है जी। मैं वही बता रहा हूँ कि जो तय कर रखा है, तो जो तय कर रखा है उसी के हिसाब से केस भी होता है। केस क्या अपने मन से थोड़ी किसी के ऊपर दायर किया जाता है, संविधान के हिसाब से होता है, आईपीसी के हिसाब से होता है, सीआरपीसी के हिसाब से होता है, वो भी संविधान के तरीके से ही किया जाता है। किसी को बिना कानून के किसी को घर में बंद थोड़ी कर दिया जाता है, वो भी कानून की प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। पर हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आड़ में जो देशद्रोह और राजद्रोह के लिए उकसाते हैं, जो काम करते हैं, हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सीएए और एनआरसी का विरोध करते हैं और आप उस विरोध के आड़ में आप कहते हैं कि इस देश से असम को अलग कर देना चाहिए, तो क्या आपकी नजर में ये देशद्रोह और राजद्रोह नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक मिनट, क्या आप इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होते हुए आप कहते हैं कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आपके नजर में क्या ये देशद्रोह और राजद्रोह नहीं है? सर तो उनको कहां कोई सजा हुई अभी तक? कन्हैया कुमार पर कहां कोई कार्रवाई हुई जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? सजा का एक प्रक्रिया है, देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, बिना जांच के बिना किसी प्रूफ के किसी को इस तरीके से पकड़ा और तुरंत सजा नहीं होता है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत गिरफ्तारी हुई उनकी, उनको बेल मिला, वो आज भी बेल पर है। बेल पर घूमना किसी को निर्दोष साबित नहीं करता है। बेल पर होना यानी कि आप उस केस में अभी भी आपका वो केस निरंतर चल रहा है और उस पे जो जजमेंट आएगा उसके बाद देखना पड़ेगा जो ऑर्डर कोर्ट का। सर सवाल इसका मतलब ही नहीं है कि आपको ये नहीं था। सर सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। जो जिसे आप कांग्रेस को टूलकिट बता रहे हैं देश बदनाम करने की साजिश, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के राजनीतिक दल में नहीं बनते? क्या ऐसी पीडीएफ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं सर्कुलेट किए जाते? ऐसे पीडीएफ नहीं बनते जिसमें देश के खिलाफ कोई योजना हो या सरकार। देखिए आप यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आप सरकार के खिलाफ हैं कि देश के खिलाफ हैं। पहले इन चीजों को परिभाषित करना पड़ेगा कि ये लोग देश के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं। आप सरकार की सरकार ही देश है उजागर कीजिए, ये सरकार की कमियों को आप सरकार ही देश है क्या? सरकार ही देश है क्या? निश्चित तौर पर सरकार देश नहीं है, लेकिन देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वही सरकार चलाती है और जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है कि इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर कुछ शरारती तत्व, अगर ऐसे कुछ शरारती तत्व अगर देश को घूमने की बात करते हैं तो उनके ऊपर। चंदन जी, इनके हिसाब से तो सरकार ही नहीं, मोदी जी ही देश है और मोदी जी ही परम सत्य है। आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दीजिए आप पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा। आज बेचारा अभी के केस में क्या हुआ था, एक बच्ची जो कि आपकी नीतियों का विरोध कर रही थी, आपने उसको साबित कर दिया था और बाद में आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, आपने उस पर कानून लगा दिया, उसकी गिरफ्तारी कर ली। हमारे बच्चों तक को अभी अभिव्यक्ति का आजादी नहीं मिल रही है और उसके बाद इनको जब लताड़ा गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा तो इनका वो हो गया। और देशद्रोह तब ये नहीं लगाएंगे जब बाबा रामदेव हमारे राष्ट्रभक्त डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं स्टूपिड, उस पे इनका देशद्रोह नहीं लगता है। जो डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा के आज हमारे देश को इस आपदा से निकाल रहे उसमें ये लोगों को देशद्रोह कहीं नहीं दिखता क्योंकि वो इनके प्रचारक हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको कोई लेना नहीं है देशभक्ति वगैरह से। ये देशभक्ति या राम भक्ति को सिर्फ अपने आवाज जरा बढ़ा दी। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि डॉक्टरों का विरोध और आईएमए की नीतियों का विरोध करना, पहले इस दोनों के बीच के गैप को समझिए कि बाबा रामदेव की चीज का विरोध कर रहे थे आप, उस चीज को समझिए। और बाबा रामदेव से हम बाबा रामदेव का बाबा इस देश के व्यक्ति है और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लेकिन संविधान के अनुसार वो किसी का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। तो एक मिनट, वो संविधान से ऊपर नहीं है। देखिए उनका तो क्या इस देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उन्होंने अपनी बात में आप गाली दे देंगे किसी को? किसको गाली दिया है आप मुझे एक वीडियो दिखाइए, किसको गाली दिया है, कौन से डॉक्टर का नाम लेकर गाली दिया है बताइए, किस व्यक्ति को गाली दिया है बाबा रामदेव ने? डॉक्टरों का, अरे कौन से डॉक्टर, पूरी डॉक्टर प्रजाति को गाली दे दी, एक एक मेडिसिन की प्रणाली को गाली दे दी। आप लोग खड़े रहिए उनके पीछे, अभी जनता आपको 2022 में बताएगी जो डॉक्टरों ने हमारे घरों में जाने बचाई है आप उनको गालियां दे रहे।
पिछले चुनाव में भी जनता ने बताई है, आगे की चुनाव में भी जनता बताएगी, आपका जनता जनता का आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी बंगाल में देखिए चुनाव के रिजल्ट बदलते रहते हैं, खड़ी थी, आप अपना बताइए कि आप देखिए कि आपको जनता किस तरीके से धुतकार रही है। मुद्दे से नहीं भटकते, आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपने मियां मिट्ठू बनते रहिए। मुझे तो लग रहा है कि भाजपा के हारने से ही कांग्रेस खुश रहेगी जीवन भर, कांग्रेस अब जीतने वाली नहीं है किसी प्रदेश में। अपने सरकार की पार्टी चला रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद की पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव हार जाती है लेकिन उसका कोई दम नहीं है, भाजपा हार गए ये बड़ा खुशी की बात है आप लोगों के। शुभम, इस शुभम देश ने कोरोना की दूसरी लहर में ऐसे तमाम लोगों को देखा जिन्होंने अपनी क्षमता में जितना संभव हुआ उन देश के नागरिकों की मदद की, चाहे वो कांग्रेस के युवा विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास हो, जिनको कई लोगों ने, खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनसे मदद मांगी है, और हमने कुमार विश्वास का एक उदाहरण ले सकते हैं, और ऐसे कई लोग हैं। पर जिस तरीके से श्रीनिवास के यहाँ छापा सरकारी एजेंसियों के द्वारा मरवाया गया, या फिर ये कहा गया कि उनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, ये चीजें कैसी आ रही है, क्या ये सही समय था कि इन सब चीजों को इस महामारी के बीच में लाया जाए अगर कोई व्यक्ति मदद कर रहा है तो? देखिए, देश निश्चित तौर पर एक आपदा से गुजर रहा है और इस समय सबका सहयोग सुनिश्चित करना बहुत जरूरत है। सरकार भी करे, इंडिविजुअल्स भी करे, एनजीओ भी करे और व्यक्तिगत तौर पर भी करे, लेकिन उसके आड़ में यदि आप देश के खिलाफ में हैं, उसके आड़ में अगर आप देश के सरकार के साथ खेल रहे हैं, सरकार के कानून के साथ, थोड़ा समझाइएगा सर, निश्चित तौर पर थोड़ा समझाइएगा सर, कैसे किसी की मदद करना देश के खिलाफ जाना हुआ, थोड़ा ये समझा दीजिए। मदद, देखिए बातों को घुमाइए मत, किसी का मदद करना देश के खिलाफ जाना नहीं होता है, मदद के आड़ में अगर आप पीछे कुछ आप कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्या होता है कि देश के बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े उद्योगपति, बड़े नेता अगर सामने से तो बड़े क्लीन चिट दिखते हैं लेकिन पीछे किस तरीके से वो अपने कामों को अंजाम देते हैं, ये व्हाइट कॉलर के डेफिनेशन में आप निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। तो मैं उसी तरीके से कह रहा हूं कि अगर आप निश्चित तौर पर इस देश में आप मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप रहकर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। और जो सरकार को करना चाहिए, जो कानून को करना चाहिए, वो अगर कानून कर रहा है तो उसमें बेवजह का बात का पुलिंदा नहीं बनाना चाहिए, सरकार को अपने तरीके से काम करना चाहिए। जी अमिताभ बोलिए। जी है कि कर्नाटका में इनके लोग बैठों की दलाली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और हमारे नेताओं की तो आपने पूरी जांच पड़ताल करा ली, क्या हुआ, क्लीन चिट देनी पड़ी और उसके बाद कोर्ट की फटकार भी आपको पड़ी, तो आपको तो शर्म आती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अगर श्रीनिवास जी एक नेक कार्य कर रहे हैं तो आप उनके यहाँ पुलिस भेज दीजिए, भेज दीजिए दसियों बार, हम आपकी पुलिस या प्रणाली से डरते नहीं है, जो आप पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं आपने हर जगह किया, आपने बंगाल में तौर पर नहीं डरना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल क्यों डरेंगे हम आपसे, आपको डरना चाहिए जो आप कर रहे हैं, आपके लोग दलाली कर रहे हैं बैठों की, पकड़े जा रहे हैं उसमें, देखिए ये पूरे इंजेक्शनों की दलाली कर रहे हैं, पूरे देश ने देखा है और दुनिया भर में देखा है कि किस तरीके से हुआ था। चंदन जी इनसे पूछिए, महाराष्ट्र में इनके पूर्व मुख्यमंत्री के खुद क्यों रात को 12 बजे उठ के गए थे और बोला था कि एक गलत तरीके से एक सवाल कांग्रेस से भी पूछना बहुत जरूरी है, आखिर कांग्रेस क्यों हर बार लोगों के साथ होने के बजाय, लोगों के मुद्दों को उठाने के बजाय देश के प्रधानमंत्री हो या फिर जो केंद्र सरकार हो उसकी आलोचना में इतनी आगे निकल जाती है कि वो अंतर ही भूल जाती है जहां आलोचना एक मर्यादित सीमा में रहकर की जाए। कई बार आप लोगों के तमाम नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसी चीजें कही हैं जो एक सार्वजनिक मंच से नहीं बोली जानी चाहिए थी, तो आप लोग भी तो उस लाइन को खत्म करने का काम कर रहे हैं ना, जो एक आलोचना एक सेलेक्टिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है उसको। ये आलोचना में इतना गिरते जा रहे हैं, अभी आपने इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को देख रहा, संबित पात्रा जी को कैसे नाली का कचरा फेंक दिया। शुभम जी, जी अमिताभ जी आप भी जवाब दे दीजिए। शुभम जी मैंने तो जवाब दिया है, अब आप अपना जवाब दीजिए। तो मेरा बोलना चंदन जी ये है कि देखिए एकाध केस में जो कि व्यक्तिगत बयान किसी का अगर होता है
कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनकी अक्रियशीलता को सामने लाती है जनता के सामने, चाहे वो ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो बेड्स का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो जरूरी दवाइयों का मिसमैनेजमेंट हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो इनके नेताओं को किसी न किसी तरीके से, आप इनके प्रवक्ताओं को सुन लीजिए, सोनिया जी राहुल जी के लिए शब्द कितने कहे गए हैं, हम तो सिर्फ इनकी जो कुनीतियां है जिसकी वजह से आज जनता सफर कर रही है और उसको सामने लाएंगे। और अगर उसके ध्रुव प्रधानमंत्री बने रहते हैं, सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री लेते हैं, तो जिस तरह से शत्रुघ्न जी ने बोला था कि अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही खानी पड़ेगी, तो या तो ये अपना महिमा मंडल करना बंद कर दे, जरूरत के समय अगर सरकार कार्य कर रही है और उसमें कुछ अगर बेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं तो सारा श्रेय मोदी जी को चला जाता है, और अगर कोई वर्स्ट रिजल्ट आ जाता है तो सारा श्रेय सामूहिक जिम्मेदारी को दे दिया जाता है। ठीक है ठीक है शुभम, ये भी तो सच है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से वहां की सरकार ने जो लोगों की समस्याएं हैं वो जब सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी तो उन पर मुकदमा चलाने तक की धमकी दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को कहना पड़ा कि इस तरीके के मुकदमे जो है वो किसी भी लहजे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आखिर क्यों सत्ता में बैठे लोगों को अपनी आलोचनाओं से इतना अब घबराहट होने लगा है कि वो शासन की आलोचना को ही देशद्रोह करार देने पर तुले हुए हैं? चंदन जी, ये बात को घुमाने वाली बात है क्या? मदद मांगने पर सर, मेरी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट बात घुमा रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा कि एक प्रकार से देश में प्रोपेगेंडा टाइप का चल रहा था इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन इतना मतलब हम लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत ही मतलब पीड़ादायक है, और इस सिचुएशन में इनके लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, ये लोग मिलकर ट्विटर पे मदद मांग, जो लोग निश्चित तौर पर मदद मांग रहे थे, जिनको मदद चाहिए था, वो मदद में बिल्कुल उनको ना मदद मिलके इस प्रकार की मदद मांगी जा रही थी कि मेरी माताजी मर गई। आपने ये भी देखा होगा कि यूपी पुलिस ने कई लोगों को ऐसे वेरीफाई किया ट्विटर पे, जो लोग की जिनकी कोई माता मरी नहीं, और उन्होंने ट्विटर पे माफी मांगा कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। तो ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे थे ट्विटर पे। सरकार ने ये कहा, एक मिनट, ये सरकार ने ये कहा कि इस तरीके से इस आपदा के समय में जो निश्चित तौर पर मदद मांग रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन है, बेवजह का इस तरीके से हाइप ना बनाया जाए कि प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है, प्रदेश में ही नहीं है। निश्चित तौर पर लोगों ने सफर किया है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, देश एक बहुत बड़े आपदा से गुजर रहा है, और इस सफर में निश्चित तौर पे लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस सफर को और बढ़ाने के लिए। बाकी विपक्ष की पार्टियां लोगों को मिलकर वो एक हाइप बनाने का प्रयास कर रही थी, जो कि गलत पाया गया, और यूपी पुलिस से लोगों ने माफी मांगा है कि मैंने गलत तरीके से काम किया। सवाल ये भी है, क्या इस देश का विपक्ष आपदा में अवसर तलाश रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। अवसर ही तलाश रहा है, इन लोगों को पता है कि कोरोना से मौका नहीं मिल सकता है। चंदन जी बिल्कुल नहीं, विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल जनता के साथ खड़ा है, जनता के मदद के लिए इस समय खड़ा है। आज हमारी यूथ कांग्रेस ने हर शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स चला रखे हैं, और बिल्कुल नहीं खड़ा है। लेकिन आप एक चीज बताइए, इनके मुख्यमंत्री बोलते रहे कि यूपी में सब उपलब्ध है, और उसके बाद भी आपने मीडिया रिपोर्ट देखी होंगी कि किस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे थे उत्तर प्रदेश के हर कोने में, और उसके बाद जब गंगा में तैरती हुई लाशें, जिसका आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है, और उनके भी इन्होंने कफन हटाने के काम तक कर दिए है, जो की ऊपर से विरोध करूंगा। आप एक चीज बताइए, किस तरह से और अगर हम कुनीतियां जो कि गंगा मार्ग के माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, शुभम चंदन जी, आप आजकल की तस्वीरें ही भेज दूं क्या? शुभम, मैं आपको कुछ आजकल की तस्वीरें भेज दूं क्या, किस तरीके से जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है, उन्नाव के अलग अलग जगहों पर तो लाशें तैर रही है नदियों में, उस पर कोई बात नहीं करेंगे ये जी? कोई बोले, एक आदमी बोले, या तो चंदन जी बोले या तो अमिताभ जी बोले, मेरी शुभम की बात। आप जो कह रहे हैं कि वो जो गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें पुरानी है, मैं आपको कल परसों की तस्वीरें भेज देता हूँ किस तरीके से बताइए उन्नाव में अगर जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है।
अगर आप यूपी जैसे राज्य से अगर आते होंगे या आप कभी वहाँ गए होंगे तो वहाँ के कल्चर को आपने समझा होगा। यूपी एक ऐसा प्रदेश है या और वैसे प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदू धर्म में ही बहुत से जाति ऐसे हैं जो कि अपने लाशों को जलाती नहीं है, वो गंगा में ही प्रवाह करती है। आप इसको सर देखिए इसमें इतने मैं इसीलिए चंदन जी बोलता हूँ ये गजब पार्टी के अजब लोग हैं, ये हिंदू धर्म की परिभाषा तक बदल देंगे। चंदन जी आप अगर आपको मैं ठीक है अपनी सहूलियत के लिए ये सब बोल देंगे, अभी जल समाधि की बातें करने लगेंगे। आप जल समाधि क्या होती है, समाधि लेना किसे बोला जाता है, प्रवाह करना अमिताभ जी दोनों लोग बातें करते हैं आप लोग। अरे नहीं एक मिनट जरा एक मिनट अमिताभ जी बात सुन लीजिए, एक मिनट ठीक है आप लाइव है। शुभम जी क्या इससे पहले तस्वीरें अगर ये प्रथा होती हिंदू धर्म में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, एक तो जहां तक मेरी जानकारी है हिंदू धर्म में अधिकतर जो समुदाय के लोग हैं वो अंतिम क्रिया के तौर पर चिताओं को जलाते ही हैं मुक्ति के लिए। अभी आपकी जानकारी कहां से है इसका स्रोत आप बता देंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और क्या आप वो तस्वीरें प्रयागराज के घाट की भूल गए? एक मिनट शुभम जी बात पूरी होने दीजिए। क्या आप वो तस्वीरें प्रयागराज के घाट की भूल गए जहां असंख्य संख्या में लाशें जो है वो रेत के नीचे दफनाई गई थी? अब आप क्या कहेंगे कि एकाएक इन सभी लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम हिंदू हैं और हम लाश जलाएंगे नहीं, हम दफनाएंगे? ठीक है आपका बात खत्म हो गया, अब मैं अपने जवाब दूं। मैं अपना जवाब दूं जी चंदन जी। ठीक है हम लोग अभी लाइव बैठे हैं और निश्चित तौर पर आप दोनों लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, आप पत्रकार होने के नाते कर सकते हैं, कांग्रेस विपक्ष होने के नाते कर सकते हैं। सर सच्चाई के नाते विरोध है, पत्रकार और विपक्ष के नाते विरोध नहीं है, सच्चाई के नाते विरोध है। आप एक राष्ट्रीय टेलीविजन पर या तो मुझे क्लियर कर दीजिए या तो आप मुझे बोलने मत दीजिए। अगर मैंने कुछ बात कहा है तो उसको मुझे क्लियर तो करने दीजिए फिर तो। अगर आप भी चाहते हैं कि बाकी टीवी डिबेट की तरह हम लोग तू तू मैं करें गाली गलौज करें, बात पूरी कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, शायद वो भी हिंदू हैं, और यूपी में आप हो सकते हैं फिर आप इससे बहुत बड़े भाई जोड़ रहे हैं ना वर्ड उसमें, आप बीच में से बोल रहे हैं। अरे यार एक मिनट बात करने दीजिए, थोड़ा स्पष्टीकरण शुरू करते हैं बाबू जी, क्लियर कर लेने दीजिए। समय कम है शुभम जल्दी से, आप लोग बोलने देंगे तब तो, आप लोग बोलने नहीं दे रहे ना इसलिए समय कम है। मैं एक मिनट से भी कम समय लूंगा, सुनिए आप मेरी बात को। कि क्या है कि यूपी मैं जिस जिले से आता हूँ, मैं गाजीपुर जिले से आता हूँ, और गाजीपुर जिलों में बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसी जाति हैं जो कि उनके रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म में ही वो भी आते हैं, लेकिन वो लोग अपने लाशों को अपने लोगों को जलाते नहीं है, गंगा में प्रवाह करते हैं, क्योंकि गाजीपुर ऐसा जिला है जो गंगा के किनारे से होकर जाता है। और एक पुरानी रीति रिवाज के अनुसार मैं एक जिले की बात बता रहा हूँ, और प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में ऐसे बहुत से। पहले तो हमने नहीं देखी तस्वीरें लाशों को तैयार किए हुए नदियों में, पहले इससे पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी ना, इससे पहले इसकी जरूरत क्या पड़ती थी कि लाशों की फोटो खींची जाए बहती लाशों की? इससे जरूरत है क्योंकि मीडिया में दिखाने की जरूरत है। चंदन जी कि वो कौन से ऐसे जिले हैं और वो कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इस प्रथा को फॉलो करती है, इनके पास कोई लिस्ट है? दूसरी चीज इन्होंने और अगर करती है तो सर ये आपकी सरकार की नाकामी है, करती है तो ये नाकामी है। इस तरीके से लाशों को अगर गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है महामारी फैले की तो वो कौन जिम्मेदार है? अगर पिछले 4 साल इस तरीके से लाशों को प्रवाहित किया जा रहा है सरकार क्यों नहीं रोक रही? बीमारी फैलेंगी इससे। अरे मैं भी उत्तर प्रदेश हूँ भाई, आपके समय की मेरे पास कमी है। ये चर्चा कई दिनों तक चल सकती है क्योंकि न सरकार अपने पक्ष को छोड़ सकेगी और न विपक्ष इस बात को मानेगा कि विपक्ष भी कभी कभार आलोचनाओं की श्रृंखला में इतना आगे निकल जाता है कि वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के जरिए की जगह बिल्कुल एक मर्यादित अमर्यादित क्रिटिसिज्म पर उतर जाता है। बहरहाल देश का संविधान सर्वोपरि है और देश के संविधान को ही अधिकार है और देश के न्यायालय को कि कौन देशभक्त कौन देशद्रोही ये तय किया जा सके। देशभक्त है या नहीं ये हम आप कह सकते हैं, लेकिन देशद्रोही है या नहीं इसे कहने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।